थोड़ा सा चेंज करूंगा. वेल नॉट वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल. ये हम सबका, हमारी पूरी फैमिली का सबका चैनल है. तो वेलकम बैक टू आवर चैनल. मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त विशाल, और इधर बैठी है हमारी चुलबुली नेहा. क्या हो गया, थकी पड़ी है? अभी नेहा एक्सरसाइज कर कर आई है, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है गाइस. और ये आर्यन अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्राइक से प्रसारित किया जा रहा है. तो वहां की लाइव तस्वीरें, लाइव कमेंट्री आप देख रहे थे, जानकारी आपने दी कि कैसे हम लगभग किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड आ गया दोस्तों. इसको समझे प्राउड मूवमेंट का डे, गाड़ी ड्राइव करने में आपको बने रहिए विन आर्यन व्लॉग्स के साथ. आप लोगों के साथ ये खुशी साझा करने में जितनी खुशी हम सबको है, शायद ही मैं बयां कर पाऊँ अपने शब्दों के अंदर. वी प्राउड मूवमेंट ऑफ एवरी इंडियन. अभी तो सारी चीजों को जो है हम. तो आर्यन क्या लगता है आपको, अब कैसा लग रहा है? बहुत नर्वसनेस भी हो रही है, एक्साइटेड भी फील हो रहा है, वेट कर रहा हूँ बस तो क्लैट हो जाए बस. मैंने तो फिंगर क्रॉस करी हुई है. मैंने भी कर रखी है, मैंने तो लेग भी क्रॉस कर रखी है. अभी बस स्टार्ट होने वाला, 39 मिनट्स टू गो. बस हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. पिछली बार थोड़ा से चूक गए थे चंद्रयान 2 में, लेकिन इस बार ही नहीं. और मैं स्कूल से आया, डैड ने मेरे को बताया जो चंद्रयान 2 जो इनविजिबल हो गया था, जो हमें दिखा नहीं था, उसके बाद उसने भी सिग्नल दे दिए, उसने कहा वेलकम बटी. तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ. किसी कोने में ये डर भी है, आपका आर्यन क्या कह रहा है, जैसे कि तैयारियां चंद्रयान 2 को देखकर सीखी गई है और चंद्रयान 3 में जो चेंजेस किए गए हैं. देखिए ये हम पहली बार ऐसा, अभी आर्यन अपना प्रोजेक्ट बना रहा है और हम लोग अभी जैसे आपको दिखाया, आज हमारा द डे है. एग्जैक्टली गाइस, ये देखिए प्रयास है, 31 मिनट्स टू गो. इसके बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा. होगा जरूर होगा. दादी के पास आ चुका हूँ, ये रही आप सबकी प्यारी दादी. चलो ये रही. और दादी क्या देख रहे हो? ऑब्वियसली सबको पता है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग. गाइस देखो, 30 मिनट्स 22 सेकंड्स. ठीक ठाक लैंडिंग हो जाए बस. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. और दादी एक चीज बताओ, आपको तब कैसा फील हुआ था जब आपको पता लगा कि चंद्रयान 2 जो हमारा फेल हो गया था, दुखी हुए थे हम तो, फेल हो गया था, उसका सिग्नल वापस से इनके पास आया है, तो आपको तब कैसा फील हुआ? अच्छा लगा भी, उनको पता लगा कि हमारा वहाँ पर अभी चल रहा है. उसने मैं तो एकदम से मेरे रोंगटे गाइस रोंगटे हाथ के खड़े हो गए थे एक सेकंड पे, जब उस डैड ने बताया था कि उसने बोले वेलकम बडी, तो मैं तो एक सेकंड में भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया था. सो मैं आपको क्या बोल, जीतेंगे, हमारा लैंड करेगा प्रॉपरली. अरे दुनिया में हमारा, और गाइस चांद
हमारा होगा। इससे साउथ पोल में भी फर्स्ट लैंडेड हमारा वाला होगा, हम फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएंगे और मून पे लैंड करने वाले फोर्थ पोजीशन पर। बच्चे आ जाएंगे लैंड करके तो लैंड ही करेगा गाइस, सबको पता है ना, है ना, है ना, है ना। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. गालियां, AI चालू हो गया। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from one complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. One hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to power descent. शुरू हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं vertical velocity देखिए किस तरह से 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषी जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे बात करने का भी मन नहीं कर रहा, नया व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा, वहीं देखा जा रहा है ना, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी हम आप लोगों को यही दिखाने की कर रहे हैं। आइए हमारा आर्यन अभी हो जाएगा लैंड, इधर बैठी हमारी प्यारी दादी, बात करा ही नहीं जा रहा, व्लॉग बनाने का वही नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, हाँ कुछ मिस हो जाएगा। क्या हार्ट बीट चल रही है, पता नहीं, मैंने हम व्लॉग बना रहे हैं टीवी की आवाज भी नहीं बंद करी थी, भूल गया मैं। गाइस अभी हम बोलते नहीं है, अभी हम बोलते नहीं है, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। 1 किलोमीटर रह गया गाइस। 1 किलोमीटर? यस। अरे 1 किलोमीटर इज द स्पीड। अच्छा। पर सेकंड। वी आर नियरिंग द फाइनल। आई सी यू 1 किलोमीटर। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के पोजीशन ले ली हमारे, उसने बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन। जय बोलेगी, जय श्री राम, जय कराए शेरा वाली माई का बोल साचे दरबार की जय, जय कराए बोले हर महादेव, जय बजरंग बली जी, बोलो सीताराम हनुमान जी की जय, बोलो भारत माता की जय। लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। वी आर अबाउट द लैंडिंग साइट, द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी इज नाउ बीइंग कॉन्स्टेंटली रिड्यूस्ड and the lander module has begun its descent towards the landing site. अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। देखिए गाइस धीरे धीरे नीचे हो रहा है, अगर आप उस पिक्चर में देख पाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हायरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें
तो एल्टीट्यूड पूरा कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are proud approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the 30 meters away. Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. भारत माता की भारत ने रचा दिया फतेह साउपर भारत माता की भारत माता की जय। तू रो क्यों रहे पागल सुनो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इंडिया इज ऑन द मून मेरे प्यारे परिवारजनों जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती ये पल अविस्मरणीय है ये क्षण अभूतपूर्व ये क्षण विकसित भारत के संघनाद का है ये क्षण नए भारत के जयघोष का ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है ये क्षण भारत में नई ऊर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों मैं इस समय
ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में क्या इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है, हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा। वंदे वंदे बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहाँ करेंगे चंदा मामा पास के, एक दूर के हैं, दूर के। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए ओहो इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा। क्या बात है, क्या बात है। शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है, इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। बिल्कुल, यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताइए एक चीज? मैंने आर्यन को बताया। पॉज मत कर, आवाज कम कर दे। ओके। बोलो बोलो जल्दी बोलो। चलो मैं आपको बताता। जल्दी जल्दी जल्दी। वो चीज है, आप लोगों ने सोची होगी आप पता नहीं, बट आज देखो 23 हो गया। बताऊं कैसे? 23 अगस्त 2023। वाह, 23 अगस्त 2023। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यस, आवाज कर आर्यन, आवाज कर। For being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3 is here. क्या बात है, क्या बात है। तो फिर हम मीठा क्या खाया जाए? मीठा और क्या आज सब? आइसक्रीम। फिर हो जाए दादी, मंगवाए करे, करा जाए ऑर्डर तिल्ले वाली कुल्फी। और गाइस मैं तो आया ही नहीं वीडियो में, फिर से एक बारी भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद सेलिब्रेशन। आइसक्रीम आ रही है, डैड ने ऑर्डर कर रखी है ना। दादी कुछ बोल रही थी, बताओ क्या बोल रहे थे। डैड तो खाने में ही मस्त है। डैड की आवाज आ रही होगी ऐसे, तो नूडल्स भी नहीं खाते जैसे आप कुल्फी खा रहे हो। सो फ्रेंड्स देखो हमारे आर्यन की भी आइसक्रीम आ गई है। दिखाओ दिखाओ सबको पहले। ये देखो निक्की आर्यन की फेवरेट अल्फांसो मैंगो आइसक्रीम। आर्यन की शक्ल तो दिखा दे। आर्यन चकल दिखा अपनी। हाय 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 हाय। डैड खोल देंगे, डैड खोल देंगे। खुल गए। आराम से, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। ये रहने दो स्पून, मैंने आपको स्पून दिया ना उसी से खा लो, ठीक है। हाय हाय कैसे चाट के खा रहे। आर्यन की फेवरेट मैंगो फ्लेवर है ना।